हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंकर सिद्धार्थ। सो गाइस, तो मैं आपको आज जीएसके का पार्ट 9 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको मैं हेविंग लाइन, मोरिंग लाइन और मैसेज लाइन पढ़ाऊंगा। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना। लेट्स स्टार्ट वीडियो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो गाइस, मैं आज आपको बताता हूँ हेविंग लाइन क्या होती है। हेविंग लाइन मेनली हेविंग लाइन जो होती है वो ये हेविंग लाइन का डायग्राम है, आप देख सकते हैं। मैं आपको वीडियो में पीछे बताऊँ, हेविंग लाइन ये होती है। ओके गाइस, इसमें मंकी फिस्ट लगा होता है, ये आगे मंकी फिस्ट लगा होता है। इसका जो डायमीटर होता है वो 30 मीटर होता है, और जो टोटल जो इसका डायमीटर होता है वो 6.6 mm टू 8 mm होता है, और इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो 30 मीटर होती है गाइस। तो गाइस, जो हेविंग लाइन होती है या तो वेजिटेबल फाइबर रोप की बनी होती है या सिंथेटिक फाइबर रोप की बनी होती है। ओके गाइस, मैंने आपको वेजिटेबल फाइबर रोप, सिंथेटिक फाइबर रोप बताया था पिछले वीडियो में, तो आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं गाइस। इसमें मंकी फिस्ट लगा होता है हेविंग लाइन में, इसका डायमीटर होता है 6 mm टू 8 mm, और जो टोटल लेंथ होती है 30 mm होता है। तो हेविंग, इसकी आप डेफिनेशन लिख लीजिए, हेविंग लाइन इज वेजिटेबल फाइबर of neither synthetic fiber rope, diameter 6 mm to 8 mm and total length 30 meter। Okay guys, ये हो गई heavy line की definition। Okay guys, अब heavy line में monkey fist क्यों लगा था? Monkey fist इसलिए लगा होता है क्योंकि इसको हवा के विरुद्ध फेंकेंगे तो ये अधिक distance cover करेगा, क्योंकि ये हवा के विरुद्ध फेंकेंगे तो अधिक distance cover करेगा, इसलिए monkey fist लगा होता है। तो नोट में लिख लीजिए, थ्रो लॉन्ग डिस्टेंस अगेंस्ट, कि जब मंकी फिस्ट को हवा के विरुद्ध फेंका जाता है तो ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है। तो नोट में लिखिए, थ्रो लॉन्ग डिस्टेंस अगेंस्ट विद हवा के विरुद्ध, तो थ्रो लॉन्ग डिस्टेंस अगेंस्ट विद। तो गाइस, अब मैं आपको हेविंग लाइन के यूज बताऊँ, हेविंग लाइन का यूज क्या होता है। हेविंग लाइन को मेनली 45 डिग्री पे फेंका जाता है। 45 डिग्री पे आप फेंकोगे यूं करके तो वो अधिक डिस्टेंस तय करता है। ओके गाइस, कुड कवर मोर डिस्टेंस। ओके गाइस, तो आपको मैं इसका यूज बता दूं। तो फर्स्ट यूज आप सीख लीजिए, ड्रॉप अप कर लीजिए, टू मेक ए कॉन्टेक्ट ऑफ जेटी सेंडिंग मोरिंग लाइन इज शोन। ओके, ये क्या करता है, जो जेटी से कॉन्टेक्ट बनाता है इसको फेंका जाता है। ठीक है, जब शिप पोर्ट पे आता है तो शिप को खींचने के लिए हेविंग लाइन फेंकी जाती है, ठीक है, जेटी के ऊपर, तो उससे क्या होता है, शिप को खींच लिया जाता है। ठीक है, तो टू मेक ए कॉन्टेक्ट ऑफ जेटी सेंडिंग मोरिंग लाइन ए शो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड यूज क्या होता है इसका, थ्रो द 45 डिग्री एंगल, कि इसको जो मोरिंग लाइन है, जो हेविंग लाइन होती है, हेविंग लाइन को 45 डिग्री एंगल पे फेंका जाता है, कुड कवर मोर डिस्टेंस, क्योंकि अधिक डिस्टेंस तय कर सके। ओके, तो थ्रो द 45 डिग्री एंगल कुड कवर मोर डिस्टेंस। ओके गाइस, ये हो गई हेविंग लाइन, आपके मेनली हेविंग लाइन ये होती है। अब बात करते हैं अपन मैसेंजर लाइन, मैसेज लाइन क्या होती है। तो मैसेंजर लाइन ये होती है, मैसेंजर ऐसी होती है, आगे से तीखी होती है। ओके, और मैसेंजर जो लाइन होती है वो हेविंग लाइन से स्ट्रॉन्ग होती है, मैसेंजर लाइन हेविंग लाइन से स्ट्रॉन्ग होती है। ओके गाइस, तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे अपन, एकदम इजी डेफिनेशन बनाना, तो कैसे बनाएंगे। तो मैसेंजर लाइन इज वेजिटेबल फाइबर ऑफ आइदर सिंथेटिक फाइबर ऑफ, डायमीटर इसका 16 mm टू 16 mm टू 25 mm, और टोटल लेंथ होती है 30 मीटर। ओके, टोटल लेंथ होती है 30 मीटर। ये होगी इसकी डेफिनेशन। तो कैसे बनाएंगे डेफिनेशन, कि मोरिंग लाइन इज वेजिटेबल फाइबर ऑफ आइदर सिंथेटिक फाइबर रोप, क्योंकि मोरिंग लाइन होती है वो वेजिटेबल फाइबर रोप की बनी होती है, आइदर सिंथेटिक फाइबर रोप की बनी होती है। तो मोरिंग लाइन इज वेजिटेबल फाइबर रोप, आइदर सिंथेटिक फाइबर रोप, डायमीटर 16 mm टू 25 mm एंड टोटल लेंथ 30 mm, इज कॉल्ड मोरिंग लाइन। अब मोरिंग लाइन का यूज क्या होता है, तो मोरिंग लाइन का यूज आप ड्रॉप डाउन कर लीजिए, मोरिंग लाइन का यूज क्या होता है। तो मैसेंजर लाइन इज, जो मैसेंजर लाइन होती है, आपको मैसेंजर लाइन की डेफिनेशन मैंने बता दी, एक सेकंड टाइम आपको रिपीट करके बता दूं मैसेंजर लाइन क्या होती है। तो मैसेंजर लाइन इज वेजिटेबल फाइबर ऑफ आइदर सिंथेटिक फाइबर ऑफ,
diameter 16 mm to 25 mm and total length 30 meter. It's called messenger line. Messenger line का use क्या होता है? जो messenger line होती है वो heavy line से strong होती है, okay guys? इसलिए इसका ज़्यादा use किया जाता है. तो messenger line is used in place of a heavy line that you can consider heavy line is not stronger enough. कि जब heavy line का use, जब heavy line strong नहीं होती, तो messenger line का use किया जाता है. तो आप इसका यूज करो, मैसेंजर लाइन इज यूज इन ए पैलेस, कि मैसेंजर लाइन का एक पैलेस पे यूज किया जाता है, ऑफ ए हैविंग लाइन दैट वी कैन कंसीडर हैविंग लाइन इज नॉट स्ट्रॉन्गली इनफ, जब हैविंग लाइन स्ट्रॉन्ग नहीं होती. तो गाइस ये हो गया मैसेंजर लाइन. अब आप बात करते हैं मोरिंग लाइन. मोरिंग लाइन क्या था? मोरिंग लाइन इज पॉलीप्रोपिलेन. आपको मैंने बताया था पॉलीप्रोपिलेन होता है वो किसका टाइप होता है? सिंथेटिक फाइबर का टाइप होता है. तो मोरिंग जो लाइन होती है वो पॉलीप्रोपिलेन की बनी होती है. ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? मोरिंग लाइन की पॉलीप्रोपिलेन डायमीटर होता है वो होता है 65 mm टू 85 mm और टोटल लेंथ होती है 220 meter. तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? तो मोरिंग लाइन इज पॉलीप्रोपिलेन लाइन. मोरिंग लाइन इज पॉलीप्रोपिलेन. ओके, मोरिंग लाइन इज पॉलीप्रोपिलेन डायमीटर 65 mm टू 85 mm एंड टोटल लेंथ 220 meter. अब इसका यूज क्या होता है? इसका यूज मैं आपको बता देता हूँ. और मैं मोरिंग लाइन, हैविंग लाइन और मैसेंजर लाइन आपके वीडियो में भी इनकी फोटो शो करूंगा गाइस. तो इसका यूज क्या होता है, मोरिंग लाइन का यूज क्या होता है? तो मोरिंग लाइन इज यूज टू मेक ए फास्ट ए शिप विद जेटी. मोरिंग लाइन क्या करती है? शिप को जेटी से फास्टली बांधती है, जल्दी से बांधती है. ओके, तो मोरिंग लाइन इज यूज टू मेक ए फास्ट ए शिप विद जेटी. किसी को जेटी से एकदम फास्टली बांधती है. तो गाइस अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले गाइस. और मैं एकदम इजी वे में आपको जीपी रेटिंग का सिलेबस करवा दूंगा गाइस, और आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो जीपी रेटिंग के अंदर गाइस. ओके गाइस, तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले.